हमें उम्मीद है कि अगर $1 trillion की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो थोड़ा इधर भी ध्यान देंगे। ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइग्रेस से, या कुत्तों से, और कभी सांड से। नेता सदन, सांड का नाम आते ही आप मुस्कराने लगे। ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे, विपक्षी न माने नेता सदन, कब कहेगा अपने सदस्यों की माने। 40 से ज्यादा गरीब और किसानों की जान जा चुकी है, लखीमपुर में जा चुकी है, बिजनौर में गई है जान, गाजीपुर में भी। केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूं, सांड तो बाद में लंबी सूची है उसकी। सोचिए गुलदारों में, और सूची लंबी है। बिजनौर की सूची पड़ी होगी हमारे माननीय सदस्यों ने कि कितने लोगों की जान जा चुकी है। कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये 7-8 महीने से चल रहा है। 7-8 महीने से लोगों की जान जा रही, खेत में नहीं जा पा रहे। पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, खेती कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे, और क्या सरकार मदद कर रही है उनकी। इतना बड़ा विभाग, और विभाग का काम क्या, उन्हें अपने हालात पे छोड़ दिया किसानों को। कोई दिन हफ्ता नहीं जाता जिस दिन किसान की जान न जा रही हो, और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गई एक जान। तो सरकार कर क्या रही है ये, फिर ये लंबी सूची है जिनकी जान गई है बिजनौर में या अन्य जिलों में। पीलीभीत लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। क्या सरकार उनकी मदद कर रही है, क्या सरकार के पास कोई योजना है। सुनने में आ रहा है सरकार कोई नई गन खरीद रही है। तो इतने महीनों से सरकार क्या कर रही थी। ये हमारे पास सूची है बलरामपुर सरावस्ती के इलाके में, यमाने सदस्य बैठे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और लोग घायल हुए हैं, घरों में घुस गया, गांव में घुस गया, लोग सो नहीं पा रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं। क्या ये किसान नहीं है, गरीब नहीं है, और सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार भी सो रही है क्या, या सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लगभग 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा लोग खेतों में घुस नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे। क्या सरकार कर रही है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में अगर कोई घटना हुई होगी तो न केवल किसान दुर्घटना बीमा से, बल्कि मुख्यमंत्री कोष से भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया। उन परिवारों को 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए दिया। क्या नेता सदन ये बताएंगे उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे उन परिवारों की, या भाई थोड़ा बहुत मदद कर दिए, इससे काम चलने वाला नहीं। कम से कम जितनी समाजवादी सरकार में मदद होती थी उससे ज्यादा मदद करने का काम ये सरकार करी। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है, क्या ये मैं मान लूं बात। हमारे साथ बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी, पिछली बार भी हम लोगों ने सदन में यही बात रखी थी और एक लंबी सूची दी थी। हम उपाय बता देंगे एक मिनट, तो मैं बैठ जाऊं। अच्छा था, इनका उपाय जरूर सुन लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। आखिरी अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से गरीब से जुड़ा हुआ मसला है, और जो लोग सड़क से चल रहे हो उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए गाड़ी, जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं,
तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से, अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता उसके लिए सुरक्षा क्या है। हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं? आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो, किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए, हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लाइन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। लाइन सफारी और एनिमल सफारी जो इटावा में बनी वो हमारे लिए नहीं बनी थी, कभी फिशर्स फॉरेस्ट ब्रिटिश टाइम का था, वो उस जगह को इस्तेमाल किया और वर्ल्ड मैप पर कैसे आ जाए उत्तर प्रदेश? इटावा उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। जब आपका शेर वहां रह सकता है, क्या आपका शेर वहां नहीं रहा था जो गोरखपुर गया? किसने खिलाया खाना वहां पर? तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड मैप पे खड़ा कर दे, उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग। दुर्दशा कर दी उसकी आपने। अभी वहां पर पूरे प्रशासन को पता था कि शेरनी गर्भवती है, बरेली के IBRI ने रिपोर्ट दी कि प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा उसका। जब गर्भवती शावक पैदा हुए तो एक पैदा हुआ, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, पांच हुए, और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सरकार ऐसी है पांच में से चार की जान चली गई। अगर पांच